इनमें किसी में ये न्यूट्रिशन ज़्यादा एक्स, किसी में वाई, किसी में जेड, तो इन अब इसमें कॉमर्स कहाँ से आया? कॉमर्स ये आया कि ये मालूम है कि सहजन के पत्ते में, सहजन इज मोरिंगा, मोरिंगा लीव्स में एक तो एल्कलाइन है, दूसरा इनमें बहुत सी चीज़ों को ठीक करने की क्षमता है, बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ हैं, तो इससे पैसे कैसे कमाए जाएं इस नॉलेज से? तो न्यूट्रासूटिकल बन गए, ये मोरिंगा लीव्स को हमने ये कर दिया और उसको प्रोसेस कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे एनी सप्लीमेंट इज अ प्रोसेस्ड फूड एंड एनी डिजीज इज अ प्रोसेस्ड फूड डिजीज। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, समझने वालों को समझाने के लिए इससे सरल भाषा यूज नहीं की जा सकती, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको एक्चुअली कोई डिफिशेंसी है तो सोर्स पे क्यों नहीं जाते हैं? आपको विटामिन सी के कैप्सूल क्यों खाने हैं, नींबू क्यों नहीं? मेरा सीधा ये प्रश्न था जो मैं पहले भी करता था कि नींबू युक्त साबुन क्यों, नींबू क्यों नहीं? तो सीधी बात यह है कि इस बात का नॉलेज होना कि किस चीज में क्या है, उसके लिए प्लेथोरा ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन किस कैप्सूल में क्या है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ने बनाया है और वो ट्राई करते हैं विटामिन सी का नॉलेज देने का, जिसमें डिस्टॉर्टेड नॉलेज होता है, जिसमें वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। वो अपना प्रोडक्ट को वो करने के लिए और भी कई चीजें उसमें जोड़ते हैं कि विटामिन सी जब सेल मेम्ब्रेन में जाता है तो ऐसे। मैं तो उनको सिंपली पूछता हूँ, आपको आपको कैसे पता? कोई माइक्रोचिप लगाया था क्या? आपने देखा कब? आपने कैसे देख लिया? आपने कोई माइक्रोचिप यूज किया था? नहीं। सीधी बात यह है कि हमें वो 2+2=4 सुनने की आदत है, हमें 2+2=22 सुनने की आदत ही नहीं है, इसीलिए हम आज तक बॉडी को शायद समझ ही नहीं पाए। जितना भी मॉडर्न मेडिसिन है ये न्यूटोनियन फिजिक्स से गाइडेड है, विच डज नॉट जेल वेल। इट कैन बी अ स्ट्रोक ऑफ लक कि वो आपका 2+2=4 उस समय काम आ गया। बॉडी नॉर्मली 2+2=4 पे काम ही नहीं करती है। 2+2=22, 2+22=2022, पॉसिबिलिटीज कई हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, द बॉडी वर्क्स ऑन क्वांटम, द थॉट प्रोसेस टू क्योर द बॉडी इज न्यूटोनियन। जब तक हमें ये बात, इसी दिस इज द रीजन वाई वी आर नॉट एबल टू क्योर, दिस इज द रीजन वाई सप्लीमेंट्स का इतना बड़ा मार्केट है, बिकॉज लोगों को ये समझ नहीं है कि सप्लीमेंट्स एक्चुअली हैं क्या, और ये कैसे इस साइंस को एक्सट्रैक्ट करके आपकी जेब खाली की जाती है। आपको कुछ फायदा हो सकता है, एक दो लोगों को फायदा हो, क्योंकि बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पे काम होता है। अगर पेन किलर से मेरा पेन रिलीव होगा, अगर मुझे मालूम है कि लोगों का पेन रिलीव होता है तो मेरा रिलीव होगा। अगर उसके जगह कोई प्लेसिबो दे दिया जाए और आप पॉजिटिव हैं कि मैं पेन किलर लूंगा तो मेरा पेन रिलीव हो जाएगा, तो प्लेसिबो भी कर देगा वो काम। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो सप्लीमेंट जिन लोगों को बहुत काम आते हैं या उनका उनको फायदा होता है, दैट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिटरेचर कह रहा है। यू प्लीज गो टू द लिटरेचर एंड सी व्हाट इज अ प्लेसिबो इफेक्ट, व्हाट इज अ नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट इज अ नेगेटिव पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट इट कि नहीं, उसको तो फिर मॉर्फिन भी दे तो पेन नहीं जाएगा, बिकॉज देर इज अ नोसिबो इफेक्ट। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ वर्क्स ऑन दैट। तो ये जो बिलीफ है ये बॉडी में वो क्वांटम पैदा करती है कि आप कोई भी सप्लीमेंट ले लें, बॉडी मेक्स इट्स ओन फार्मास्यूटिकल। इनफैक्ट आई शुड नॉट कॉल इट फार्मास्यूटिकल, वो एक बॉडी के लिए बेइज्जती है। इट मेक्स इट्स ओन केमिकल ऑफ हीलिंग विच कैन बी टेकन एज फार्मास्यूटिकल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एनीवे, तो सप्लीमेंट्स जो भी हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं उसको हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो, नंबर वन। नंबर टू, अगर विटामिन B12 के कैप्सूल में विटामिन B12 है तो उसको एक अथॉरिटी से पास होना होता है कि हाँ अब आप कमर्शियली इसको बेच सकते हैं। सो उस अथॉरिटी में चेक क्या करते हैं? उसमें चेक करते हैं कि आपने जो भी नेचुरल वर्ड यूज़ किया है
नेचुरल का मतलब है 10% उसके उसके इन इंग्रेडिएंट्स अगर नेचुरल हैं तो वो पास हो जाएगा। मुझे उस 10% से कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बहुत मेहनत करके इस साइंस पे आए हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये पूछना है कि बाकी 90% क्या है। अगर 10% है मैं मान लिया, बाकी 90% क्या है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये हमेशा पूछना चाहिए। अगर विटामिन B12 के कैप्सूल में कोल्टार है तो मैं तो जानता हूं कि कोल्टार इज यूज्ड टू मेक रोड्स, मैं तो यही जानता था। अब उसमें चूंकि हमें उस कॉस्ट में विटामिन B12 भी देना है, कैप्सूल भी बनाना है, उसको फिलअप भी करना है, उसमें इतना सा नहीं रख सकते हैं, या माइक्रो कैप्सूल नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसको दिखना भी है बिकना भी है, जो दिखता नहीं है बिकता नहीं है। तो ये सभी चीजों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग थिंग्स दैट माइट बी हार्मफुल टू यू। इसीलिए सप्लीमेंट्स को एक्सपोज करना जरूरी था। हमारा किसी कंपनी से कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारा काम है जनरल पब्लिक को अवेयर कराना कि आप जो चीज सोच के ले रहे हैं वो फिर सोच लीजिएगा, और हकीकत से रूबरू कराना, ये हम करते आए हैं और बेबाकी से करते आए हैं और करते रहेंगे।